हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि बास्केटबॉल का खेला जाएगा सीसी वर्सेस एसआई के बीच और जेएन वर्सेस एमएटी के बीच 4 घंटे 47 मिनट बाद और 5 घंटे 47 मिनट बाद। भाई ये काफ़ी बढ़िया मैच है, अगर ये मॉर्निंग में होता तो और मज़ा आता, क्योंकि भाई नाइट मैचेज हम फाइनल टीम नहीं देते। जो मैं आपको टीम दूंगा, देखो यहाँ पे लाइनअप्स भी नहीं आती। यह मैच भाई रिस्की है, यह मैच आप तभी खेलें जब आपके पास लाइनअप्स का जुगाड़ हो या कुछ आपके पास हो, कोई प्लेइंग 11 का कुछ भी। लेकिन हम आपको सारा इधर पूरी डिटेल देंगे उसी चीज़ की। लेकिन बात करते हैं फाइनल टीम वैसे कहाँ आती है, इसकी नहीं आएगी वैसे, मैं आपको बता दूं नाइट मैच की। वैसे कल के जितने मैचेज हैं सबकी आएगी और 100% विन होगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि जो मैं टीम देता हूँ भाई, आप जीतोगे मतलब अपनी तरफ से काफ़ी, और जीत सकते कुछ इस तरीके से सारे आज के मैचेज हैं सारे। अब देखिए चलते हैं आगे, ये सीसी वर्सेस एसआई के मैच के बारे में कवर करते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट अभी आप लो रखना, भले मीडियम भी रख सकते हो, लेकिन बात करें लीग की तो आप हेड टू हेड खेल सकते हो और 3 मेंबर्स। तो चलिए टीम दिखाते हैं। टीम दिखाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें भाइयों पॉइंट गार्ड से, तो यहाँ से वी थॉमस को लेंगे। तो वी थॉमस एक टॉप का प्लेयर है, जो कि 15.5 क्रेडिट्स हैं, इसके टोटल 204 पॉइंट्स हैं और 92% सिलेक्शन। वी थॉमस काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, आप देख सकते हैं ओवरऑल इसका हर मैच में पीछे 3 मैच से कंटिन्यू 40+ का रेशियो जा रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा रेशियो है। और वहाँ से लेंगे सी गोंजालेस को। तो सी गोंजालेस को मैंने इसलिए लिया भाइयों, एक तो ये प्लेयर बहुत अच्छा है और इसकी सिर्फ 32% सिलेक्शन है, और 32% सिलेक्शन का मतलब आप जानते ही होंगे बिल्कुल लो, मतलब बहुत ही कम होगा जो ओपन एंड की टीम में हो। और प्लेयर काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आप तो इसको ले सकते हैं, या आपको 15 से 20 पॉइंट दे सकता है, इतनी उम्मीद है मुझे इससे। यहाँ से डी कार्डोजा को लेंगे। तो डी कार्डोजा भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि आपको ओवरऑल सबकी टीम में देखने को मिलेगा। अगर आप हेड टू हेड खेलते हैं या 3 मेंबर, तो ओवरऑल सबकी टीम में होगा, क्योंकि प्लेयर ये तीनों बेस्ट हैं, ये तीनों टॉप के प्लेयर हैं। मैं आपको बता दूँ पॉइंट गार्ड से, क्योंकि पॉइंट गार्ड से हम नीचे का रिस्क नहीं ले सकते। बात करें भाई शूटिंग गार्ड से, यहाँ से जे वेस्ट के साथ जाएंगे। तो जे वेस्ट ने प्रीवियस मैच में काफ़ी बढ़िया किया था, आप देख सकते हैं 11 पॉइंट, और नॉर्मल प्लेयर है, मतलब ये मत समझना कि ज़्यादा इच्छा दे देगा भाई, नॉर्मल प्लेयर है, ज़्यादा उम्मीद मत करना, 8-9 पॉइंट की मुझे उम्मीद है। और आर पॉन्स आप देख सकते हैं, और एफ कॉक्स तो भाई नहीं चल रहा, इसलिए इसको तो मैंने खुद ड्रॉप किया है। लेकिन आर पॉन्स को भाई मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि क्रेडिट मेंटेन नहीं हो रहे थे, आप जैसे जानते हैं क्रेडिट्स की प्रॉब्लम। बाकी और भी प्लेयर आगे से अच्छे हैं, अगर इन दोनों को आप काटें और यहाँ से जे वेस्ट ले लें, और बाकी आप सेंटर से अच्छा प्लेयर चुन सकते हैं। बात करें स्मॉल फॉरवर्ड से, तो एफ गर्थ के साथ जाएंगे। एफ गर्थ एक भाई बहुत ही वर्थ प्लेयर है, जो कि हर मैच में चलता है, हर मैच में इसने चलना ही चलना है, मतलब ये मेरी गारंटी है, क्योंकि प्लेयर पर उम्मीद है और अच्छा खासा चलता है हर मैच में। बात करें पावर फॉरवर्ड की, तो ई मॉर्गन के साथ जाएंगे। ई मॉर्गन भी हर मैच में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, जो कि आपको 24 से मतलब 30+ पॉइंट्स दे सकता है आपको कल के मैच में। बात करें भाइयों सेंटर से, तो आर मनोज के साथ जाएंगे। आर मनोज भाइयों मैं इसके साथ हर बार जाता हूँ, भले जो मर्जी मैच हो। प्रीवियस मैच में खेला नहीं था, आपको पता ही है सिलेक्शन ज़्यादा है क्योंकि लाइनअप्स आती नहीं, लेकिन खेला नहीं था तो कोई टेंशन लेनी नहीं। अगर आज का मैच खेलता है तो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है, लेकिन ये मुझे आज के मैच में थोड़ा रिस्की लग रहा है। आप चाहें इसको ड्रॉप करके कोई और प्लेयर ले सकते हैं आगे पीछे से, क्योंकि आज के मैच में भी रिस्की लग रहा है। यहाँ से लेंगे भाई विवास ग्यूटर को। तो विवास ग्यूटर भाई सिर्फ 23% सिलेक्शन, जो कि आपको एक नॉर्मल प्लेयर मिल जाते हैं। देखो अगर चाहे तो ये आपको 20+ पॉइंट भी दे सकता है, लेकिन अभी अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो भाई काफ़ी बढ़िया नहीं चल रहा, परफॉर्मेंस में ठीक है, एवरेज परफॉर्मर है ये। बात करते हैं भाइयों एसपी की, तो एसपी में रखने वाला हूँ भाइयों एफ गर्थ को, जो कि हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहे। नहीं तो मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ अपनी टीम में कि कैप्टन अलग रखूँ। अगर मैं ये मॉर्निंग मैच होता तो वी थॉमस को जरूर रखता, लेकिन वी थॉमस मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि नाइट मैच में कोई अपडेट तो मेरे पास आएगी नहीं, अगर आ गई तो भाइयों फिर भी नहीं दे पाऊँगा। एक्चुअली आपको पता ही है नाइट मैच में कवर नहीं करता, इसलिए ये बिल्कुल ही सेफ टीम है, ये चाहे आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं भाइयों अगले मैच की ओर। ये रहा भाई जे एन वर्सेज एमएटी का मैच, 5 घंटे 43 मिनट बाद खेला जाएगा। बात करते हैं भाई टीम की, तो आपको चलिए टीम दिखाते हैं। बात करें भाई पॉइंट गार्ड से, यहाँ से हम के एन डीनो के साथ जा रहे हैं। 18.5 क्रेडिट्स, 310 पॉइंट्स और 70% सिलेक्शन। तो के एन डीनो भाई हर मैच में इसने चलना है, और एक बार तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, आप देख सकते हैं, ये देख ही पा रहे होंगे 80 पॉइंट्स और वो भी 96% सिलेक्शन, और प्लस इस मैच में ओवरऑल सबका कैप्टन था और टॉप खेलता है ये, मैं आपको बता दूं आपका हर मैच में होना चाहिए ये। और यहाँ से लेंगे ए ह्यूटा को, तो ए ह्यूटा एक नॉर्मल प्लेयर है, जो कि हमें 7.5 क्रेडिट में मिल जाता है, बाकी आपको नॉर्मल 15 से 20 पॉइंट दे सकता है। बात करते हैं भाइयों आगे से, यहाँ से शूटिंग गार्ड से बात करें, यहाँ से डी कैचो के साथ जाएंगे। तो डी कैचो भाइयों काफ़ी बढ़िया प्लेयर, डी कैचो जो आप देख सकते हैं हर मैच में क्या परफॉर्मेंस दे रखी है। अगर बात करें डी कैचो भी एसपी के लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस है, सेफ चॉइस है। बात करें शूटिंग गार्ड से, तो शूटिंग गार्ड से लेंगे एफ जेल्डन मैराइन को। तो एफ जेल्डन मैरिन एक नॉर्मल प्लेयर है, जो कि 7.5 क्रेडिट में मिल जाता है, बाकी 2 बार से मैचेस खेल नहीं रहा, लेकिन अगर ये आज का मैच खेलेगा तो सही है, लेकिन आज ये रिस्की है।
फिफ्थ की सिर्फ मेरे को 50% चांसेस सुनने में आया कि ये खेलेगा और 50% नहीं। अगर आप चाहें इसको ड्रॉप करके अपनी मर्जी से कोई प्लेयर ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ जाऊंगा क्योंकि हम मैं रिस्क ले रहा हूं अपनी टीम में। और एम लीवा को लेंगे। एम लीवा भाइयों मैं आपको पहले बता दूँ, क्रेडिट प्रॉब्लम के कारण लिया, वरना मैं इसको कभी ना लेता अपनी टीम में, क्योंकि इसका हर मैच में सिर्फ इसने 2 या 3 पॉइंट देने हैं। मैं आपको पहले बता दूँ, ज़्यादा उम्मीद मत रखना। अगर ड्रॉप कर सके तो इसको भी कर देना, कोई और प्लेयर भी ले सकते हो अगर आप चाहें। देखो और कोई मेरे पास चॉइस आ नहीं रही। एस्किटो भाई खेलता नहीं है, बहुत कम खेलता है, उस पर भी रिस्की है एस्किटो पे, इसलिए हम भाई तभी मैं एम लीवा के साथ गया। बात करें पावर फॉरवर्ड से तो आर मेंडोज़ा को लेंगे। आर मेंडोज़ा 13 क्रेडिट्स, 189 पॉइंट्स और 78% सिलेक्शन, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है आर मेंडोज़ा। नॉर्मल प्लेयर में अगर बात करें तो आज चाहे तो इसको टीम में ले सकते हैं। बात करें भाई सेंटर की तो यहाँ से टी हम्फ्रीज़ के साथ मैं चला ही गया हूँ, सिर्फ 41% सिलेक्शन और मैं इसके साथ जा चुका हूँ, जो कि ज़बरदस्त खेलता है भाई हर मैच में, हर मैच में टॉप ऑर्डर प्लेयर है और 41% सिलेक्शन है और 8 एयर के साथ जाएंगे, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बात करें एसपी की तो एसपी में यहाँ से केएनडीनो को रख रहा हूँ। अगर आप चाहें कैचो के साथ भी जा सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल सेफ जाना है हेड टू हेड खेलना तो इसको रखना, ये टीम बिल्कुल सेफ है। और अगर रिस्क लेना चाहते हो मेरी तरह, मतलब 4 मेंबर में, तो टी हम्फ्री उसको एसपी रख देना, आपको अपने आप सुबह रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप जीत चुके हो अगर रिस्क लेना है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ।